हेलो एवरीवन, आई उत्कर्ष सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 5. द वेटेज ऑफ यूनिट नंबर 5 इज 16 मार्क्स. टुडे वी विल लर्न अबाउट एनर्जी ऑडिट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट. प्रीवियस वीडियो रिव्यू. ऑन प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट न्यूमेरिकल बेस्ड टैरिफ. Learning outcomes, you will be able to learn the energy audit and energy audit instruments and their use. Definition of energy audit. As per Indian Energy Conservation Act 2001, energy audit is defined as the verification, monitoring and analysis of energy. सारी जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं रेसिडेंशियली, कमर्शियली या इंडस्ट्रियली, उसका वेरिफिकेशन करना, मॉनिटरिंग करना एंड देन एनालाइज करना कि हम उस एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं. अब पूरा एनालिसिस होने के बाद उसका एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाना है जिसमें ये रिकमेंडेशन दिया होगा कि कहाँ पे आप एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हो कंजम्पशन से, वो भी एक बेटर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ. एंड आफ्टर दैट एक प्लान बनेगा, एक्शन प्लान, कि कैसे हमें एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करनी है. इसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट का क्या नीड है? एनर्जी ऑडिट का नीड ये है कि ये एक 3 टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल, लेबर और मटेरियल सब आते हैं, क्योंकि इसमें हमें सब लगता है. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, थर्मली अप्लाइंसेस भी लगते हैं, लेबर्स भी लगते हैं और मटेरियल भी लगता है. ठीक है, एनर्जी ऑडिट हमें ये अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है. वॉट एवर बी द फ्यूल आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस, उसे हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हम कहाँ पे उसको वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट हम इसको इम्प्रूव कर सकें. एनर्जी जो है वो बहुत ही टॉप रैंकर की मतलब एक क्वालिटी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हो. एनर्जी ऑडिट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ कंजर्वेशन आइडियाज़ इंटू रियालिटीज़. आपका जो भी आइडिया है कि आप इस तरीके से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन का कंजम्पशन कम कर सकते हो, तो उसको रियालिटी में बदलना एनर्जी ऑडिट का काम है. एनर्जी ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले कि डिटरमाइन द वेज टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन. सबसे पहले यही है कि हम किस तरीके से पर यूनिट जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर आए, वो भी एक लोअर कॉस्ट के साथ. एनर्जी ऑडिट हमें एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि सबको प्रोवाइड है एंड दे यूज़ लाइक अ मतलब कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर लो, तो एनर्जी ऑडिट एक बेंचमार्क है ये बताने के लिए कि आपको एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किस वे से करना है, ताकि आपका एनर्जी कंजर्व हो सके. क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है आज भी, और अगर हम आज कंजर्व नहीं करेंगे तो कल को जाके वही कंडीशन हमारी भी होगी. इसीलिए एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट. सो देयर आर मेनी एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरत है हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट्स के हम एक प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. इसलिए एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स पोर्टेबल होते हैं, मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते. ईजी टू ऑपरेट, इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट. उनको अच्छे से आप सीख सकते हो कैसे वो ऑपरेट करते हैं. एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी कॉस्टली नहीं होते. बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इन AC/DC सिस्टम. AC/DC सिस्टम में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. कौन कौन से हैं? वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, किलोवाट एम्पियर, रिएक्टिव पावर, एनर्जी कंजम्पशन, फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स. पैरामीटर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस अदर देन इलेक्ट्रिकल सच एज टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, रेडिएशन, एयर एंड गैस फ्लो, लिक्विड फ्लो, रेवोल्यूशन पर मिनट, RPM, एयर वेलोसिटी, नॉइज एंड वाइब्रेशन एंड डस्ट कंसंट्रेशन. सी,
it also helps in calculating this total dissolved solid TDS, जो कि वाटर की क्वालिटी के लिए हम चेक करते हैं. मॉइस्चर कंटेंट, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, फ्लू गैस एनालिसिस, CO2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस होते हैं उसको भी चेक करने में एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हेल्प करता है. सो फर्स्ट आवर एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट इज़ पावर एनालाइजर. नाउ व्हाट इज़ पावर एनालाइजर? ये एक ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर मेजरिंग किलोवोल्ट एम्पियर, किलोवाट मीन्स लोड, पावर फैक्टर फ्रिक्वेंसी, KVR मतलब रिएक्टिव पावर, एम्पियर करंट एंड वोल्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम पावर एनालाइजर का यूज़ करते हैं क्योंकि दे आर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ पावर. इन एडिशन ये हार्मोनिक्स भी मेजर कर सकता है. ठीक है, ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप जब आपका मोटर रनिंग मोड में होगा तो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेशंस कर सकते हो. बेसिकली होता क्या है, हमें हर तरफ से कनेक्शंस करनी पड़ती है मोटर्स और इंस्ट्रूमेंट की, तब जाके यू कैन कैलकुलेट. बट एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स वैसा नहीं होता है. Without stopping your motor, you can calculate the all the parameters you need about the power. And ये एक hand meter है, मतलब easily handled है. और सबसे best part is that कि जब आप इसको calculate करते हो then you will get a paper means chit from that machine and there it is written, वहाँ पर सब कुछ सारी ratings printed में आपको मिलेगी. So this is the best part. नेक्स्ट इज़ फ्यूल गैस एनालाइज़र. फ्यूल गैस एनालाइज़र क्या होता है? इट्स एन कंबशन एनालाइज़र फर्स्ट, जिसमें कि हम लोग सारे जितने भी गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सारे हम कैलकुलेट करने के लिए कंबशन एनालाइज़र का यूज़ करते हैं. उसमें एक केमिकल सेल रहता है जो कि इस तरह के गैसेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. हर एक गैस की अपनी अपनी एक वैल्यू फिट होती है वहाँ पे एंड जस्ट वो उससे कंपेयर करता है एंड इट दे विल गिव यू अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ द गैस. फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर ये मेजर करता है ऑक्सीजन और टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल गैस, फ्लू गैस. फ्लू गैस के ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारा ये फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर है. इसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी फिट होती है. ये माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू चलता है. ठीक है, जिससे कि वो कंबशन की एफिशिएंसी, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा बर्न हो रहा है या कितना ज़्यादा हमारा कंबशन हो रहा है. कंबशन मीन्स व्हाट? बर्निंग ऑफ योर फ्यूल. सो उसके लिए ये चेक करते हैं. ठीक है, फायराइट. फायराइट एक हैंड बिलो पंप ड्रॉज द फ्लू गैस सैंपल. देखो ये एक हैंड बिलो पंप है, मतलब ये हैंड के थ्रू वर्क होता है एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी फ्लू गैस रहता है. ठीक है, इसमें फायराइट रहता है, आपको फ्लू गैस का सैंपल इसमें डालना पड़ता है और वो क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस. देखो गैस को आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो गैस है, इसलिए फायराइट में वो उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड में सो दैट यू कैन चेक द अमाउंट ऑफ गैस. ठीक है, फायराइट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है. टेम्परेचर मेजरमेंट, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर. जी, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर ये एक थर्मोकपल है विच इज़ यूज टू चेक द वैल्यूज ऑफ फ्लू गैस, हॉट एयर, हॉट वाटर टेम्परेचर. वो भी हम कैसे चेक करते हैं, जो इनकी प्रोब होती है, प्रोब को हम उस वाटर में या जो भी आप चेक कर रहे हो वहाँ पे हम उसको इंसर्ट करते हैं एंड देन वी विल गेट अ वैल्यू, अ प्रॉपर वैल्यू. इसके एक और होता है सरफेस टेम्परेचर के लिए, वहाँ पे जो प्रोब होती हैं वो लीफ टाइप होती हैं, लीफ पत्ती की पत्ते जैसा शेप होता है उसका और वो यूज़ होता है सरफेस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए. इंफ्रारेड थर्मामीटर. इंफ्रारेड थर्मामीटर एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट है, मतलब ये कॉन्टैक्ट नहीं करता, ये सेंस कर सकता है दूर से. ठीक है, इट कैन सेंस योर हीट डायरेक्टली विच गिव्स अ टेम्परेचर रेड आउट. मतलब ये टेम्परेचर दूर से कैलकुलेट कर सकता है ताकि आप उसको टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सको. ठीक है,
पायलट ट्यूब एंड मैनोमीटर, दिस इज़ यूज टू कैलकुलेट द एयर वेलोसिटी इन द डक्ट, जो डक्ट हम यूज़ करते हैं फॉर एयर, एयर के लिए, प्योर एयर के लिए. आप लोग डक्ट देखते होंगे ऊपर सीलिंग में लगा होता है ना, तो उसमें हम लोग ये इसको लगाते हैं ताकि हम एक एयर की कितनी वेलोसिटी फ्लो हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मैनोमीटर भी यूज़ होता है, इंक्लाइन मैनोमीटर फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ फ्लोज. मतलब पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो पायलट ट्यूब से, देन उसके बाद आप मैनोमीटर का यूज़ करो फर्दर कैलकुलेशन के लिए. उसके लिए हम लोग पायलट ट्यूब और मैनोमीटर यूज़ करते हैं. वाटर फ्लो मीटर, अब वाटर फ्लो मीटर एक नॉन कॉन्टैक्ट फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जिसमें डोपर लगा रहता है या तो अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के थ्रू ये वर्क करता है. इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इंस्टॉल होते हैं विच आर पोजिशन ऑन द अपोजिट साइड. मतलब देखो ट्रांसमीटर एक साइड रहता है और उसी के उल्टा मतलब अपोजिट साइड में हमारा रिसीवर कनेक्ट रहता है, ठीक है. तो जब आपका वाटर फ्लो होता है ना, द वाटर डायरेक्टली गिव्स द फ्लो ऑन वाटर एंड अदर फ्लूइड फ्लो कैन बी ईजली. मतलब देखो ट्रांसमीटर और रिसीवर, जैसे ही आपका वाटर या कोई अलग फ्लूइड जब आपका उस पाइप से फ्लो होगा तो वो उसको कैलकुलेट करेगा एंड कहाँ पे देगा, उसको रिसीवर को देगा. सो रिसीवर जहाँ से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कि कोई फ्लूइड उस पाइप से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम वाटर फ्लो मीटर कहते हैं. स्पीड मेजरमेंट, सबको पता है स्पीड मेजरमेंट जो टैकोमीटर वगैरह होते हैं जिसे हम स्पीड मेजर करते हैं अपने मोटर का आरपीएम चेक करने के लिए, ठीक है, उसको हम टैकोमीटर बोलते हैं. और सोफिस्टिकेटेड वे अगर आप देखो कि दूर से ही आपको कुछ टच नहीं करना है टैकोमीटर में, यू हैव टू टच दैट नोब टू दैट शाफ्ट, आपको शाफ्ट में उसको टच करना पड़ता है तब जाके आपको टैकोमीटर में दिखता है कि वो मोटर कितने आरपीएम पे चल रहा है. बट स्ट्रोबोस्कोप ऐसा नहीं होता, स्ट्रोबोस्कोप थोड़ा है कि वो नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब आपको उसको टच नहीं कराना पड़ता, दूर से ही अगर आप देखोगे तो वो अपने आप सेंस कर लेगा कि मोटर कितनी स्पीड में चल रही है, तो ये आपका स्ट्रोबोस्कोप हो गया, ठीक है. लीक डिटेक्टर्स अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, जिसमें कि अगर कहीं से भी कंप्रेस्ड एयर लीक हो रहा है या कोई भी अदर गैस लीक हो रही है, ठीक है, तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल कि हाँ यहाँ पे गैस लीक हो रहा है. सो इट विल डिटेक्ट एंड गिव यू एन अलार्म सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट. देन लक्स मीटर, यू ऑल नो अबाउट लक्स मीटर. एलुमिनेशन लेवल मतलब आपके घर में कितनी लाइट्स आप रिफ्लेक्ट कर रही है एक बल्ब से या ट्यूबलाइट से, या कहीं आप ग्राउंड में जाओ तो जो फोकस लाइट लगी रहती है उससे कितना अमाउंट ऑफ लाइट उससे निकल रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है लक्स मीटर से, ठीक है. हम ल्यूमेन में उसको कैलकुलेट करते हैं. कैसे वर्क करता है ये, इसमें एक फोटो सेल्स होते हैं, फोटो सेल होता है जो कि जो लाइट का जो आउटपुट है वो उसको सेंस करता है, ठीक है, और उसको सेंस करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको हम लोग फ्लक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो उसी के लिए हम लोग ये लक्स मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है. सो समरी ऑफ दिस टॉपिक इज़ यू हैव लर्न हियर द एनर्जी ऑडिट डेफिनेशन एंड एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज़. PO mapping here, PO 1, 2, 3 and 10 is mapped here and PSO 11. Next slide will be on questionnaire for energy audit project. I hope you understand. Thank you and keep learning.